इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अबू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे, ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।